अबे इधर आ। अरे यार चलता हूँ मैं। क्या तेरा वो दोस्त ललन चतुर्वेदी का है? मुझे पता नहीं। देख बे हमसे ज्यादा चलाकी मत करना, सीधी तरह से बता। तू नहीं जानता कि तेरा दोस्त का है? नहीं। तू जानता है ना हम पुलिस वाले किस तरह तुझ जैसे लोगों से सच उगलवाते हैं? अरे उल्टा लटका दूंगा, सच निकल कर बाहर आ जाएगा। तू चाहता है कि हम तेरे साथ ऐसा सुलूक करें? नहीं ना? तो फिर बता। कोशिश करके देखिए, पता चलेगा। क्या बोलो? बहुत हो गया। किसी की मौत का मातम नहीं मना सकते तो कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ। किसकी मौत? मौत नहीं मर्डर कहो, मर्डर। मर्डर? हाँ, उस दिन आपने हम तीनों को इतनी बेरहमी से पीटा और उस बिचारे के सर पे तो आपने बार बार इतना मारा कि उसका खून जमा हो गया, हेमरेज हो गया और उसने दम तोड़ दिया। अरे क्या बकते हो तुम? उसके बाद आपने उसकी लाश को अपनी जीप में डाला और पता नहीं कहाँ ले गए। हम आपको सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले जाएंगे इंस्पेक्टर साहब, और जरूरत पड़ी तो सबूत के तौर पे उसकी हड्डियां भी पेश करेंगे। अरे अब समझा मैं, तू जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे। अरे इतना सारा ये सब कैसे सोच लिया तूने यार? अच्छा देखो हम सीधी सीधी बात करते हैं, सीज फायर नहीं हो सकता हम दोनों के बीच में? हो सकता है, मैं तैयार हूँ अगर आप चाहे तो। अरे ये हुई ना मर्दों वाली बात, आज से हम दोनों दोस्त। अरे मिलकर शिकार पर चलेंगे, बड़ी दिलचस्प चीज है ये शिकार। लेकिन पहले एक बार वो लल्लन को एक बार एसीपी के सामने पेश करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। बस दूसरे दिन दोनों दोस्त निकल पड़ेंगे शिकार के लिए। आप ललन की चिंता मत करो, वो सलामत है। ये तो हम भी जानते थे। है का? ऐसी जगह जहाँ पे उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। अरे यार अब तुम दोनों दोस्त हो गए, बता देना कहाँ छुपा के रखा है। वो तुम्हें आपके बाप को भी नहीं बता सकता, फिर तुम्हें कैसे बताऊं मैं?